एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है रेवाड़ी में। ये वीडियो देख करके हर कोई हैरान है। जी हाँ, इस वीडियो को देख करके आपको लग जाएगा कि कैसे नेताओं को फोटो खिंचवाने का एक छपास का रोग है। जी हाँ, ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और फोटो खिंचवाने के लिए कैसे एक विधायक पूर्व मंत्री को जो है पीछे धकेल देता है। जी हाँ, ये पूरा मामला है कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव, इन दोनों का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच पर मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। कैसे मीडिया के कैमरे लगे हुए थे और विधायक जी फोटो खिंचवाने के लिए किस तरीके से एक पूर्व मंत्री को धकेल देते हैं और उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी भले ही कहे कि हमारी पार्टी एक है, लेकिन यहां भी गुटबाजी कैसी है। ये साफ तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से जो कोसली से विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव, वो पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव को कैसे धकेलते हैं और उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी वीडियो बन सके, फोटो बन सके। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां मौजूद है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। कोसली में आयोजित तिरंगा यात्रा के समय शहीदों को दी जा रही थी श्रद्धांजलि और शहीदों को सलामी देने के और शहीदों को सलामी देते समय पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव की ओर से कोहनी शहीदों को सलामी देते समय पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव की कोहनी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के आड़े आ रही थी। लक्ष्मण सिंह यादव ने झुंझलाट में उनकी कोहनी को झटका और पूर्व मंत्री का हाथ भी झटक दिया। बाद में लक्ष्मण सिंह यादव जो कोसली से विधायक है वो पूर्व मंत्री के आगे आकर के खड़े हो गए और असहज नजर आए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी। जी हाँ, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मौका था देशभक्ति का जज्बा दिखाने का, तिरंगा यात्रा निकालने का, और जिस तरीके से इन दोनों का 36 का आंकड़ा एक ही पार्टी में होने के बावजूद दिखाई दे रहा है, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। क्योंकि विक्रम सिंह यादव पूर्व मंत्री हैं, जो कि पहले कोसली से विधायक रहे हैं, वो भी भाजपा की टिकट पर, और 2019 में उनकी टिकट को काट के लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दे दी गई थी और लक्ष्मण सिंह यादव चुनाव जीते थे। तभी से लेकर के 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन जो ये वीडियो वायरल हो रही है ये बता रही है कि किस तरीके से नेताओं को फोटो और वीडियो खिंचवाने का एक छपास का रोग है, एक दूसरे को कैसे धकेला जाता है कि कोई मुझसे आगे ना चला जाए, मेरी फोटो हर हाल में आनी चाहिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा शहीदों को नमन करने के लिए निकाली गई थी, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, हम जिनके लिए 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सारा रोग है फोटो खिंचवाने का, सारा रोग है फोटो खिंचवाने का। और फोटो खिंचवाने के लिए कैसे एक विधायक पूर्व मंत्री को यानी कि धकेलता है पीछे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अब हम आपको छोड़ चलते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। फैसला आपको करना है कि इन नेताओं के दिलों में क्या वाकई हमारे शहीदों के प्रति सच्चा प्रेम है या फिर एक फोटो सेशन करवाने का तरीका। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।